तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैशन पोस्टमार्टम। तो मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं बैड गाय से कुछ क्या हम सीख सकते हैं। तो डरिए मत, हम कुछ गलत नहीं सिखाएंगे, कुछ जो सिखाएंगे अच्छा ही सिखाएंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम उनके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें जानेंगे। तो नंबर वन पे आता है दे आर फियरलेस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फियरलेस का मतलब ये नहीं कि जो चाहो वो करो, यहाँ पे फियरलेस का मतलब ये है कि वो लोग अपने गोल के तरफ ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, और मतलब वो उनको अंदर कोई डर नहीं रहता कि अगर मैंने ये गलती कर दी तो बाद में क्या होगा। तो वो लोग वो सब सोच के ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, अपने आप को स्ट्रेस नहीं देते, तो वो होता है फेयरलेस। आपको ये करना है। तो नंबर टू पे आता है देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब कि उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, तो जो सोचते हैं वो करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कोई भी काम को लेके, तो आपको वो चीज़ उनसे सीखनी चाहिए। तो नंबर थ्री पे आता है दे आर गुड इन आंसरिंग। यहाँ पे आंसर देने का मतलब है कि अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उसका आंसर देना ज़रूरी है, मगर ये सब केसेस पे सही नहीं होता। अगर आपके पास कोई मतलब कि रेस्पेक्टेबल कोई बैठे हों तो आप वहाँ पर जवाब नहीं दे सकते, मगर ये अच्छा भी है क्योंकि अगर आप उसको कुछ नहीं बोलोगे तो वो जो फीलिंग्स है आपके अंदर रह जाएगी। अगर आपके जो गुस्सा है अगर आपके अंदर रह गया, तो अगर आपको दूसरे आदमी ने कुछ बोल दिया तो आप फट से गुस्सा होकर वो फीलिंग्स उसके ऊपर उतार देते हो, तो अच्छा नहीं है। तो जहाँ का फीलिंग वहाँ ख़त्म करने की कोशिश करो, तो ये बात सीखनी ज़रूरी है। तो नंबर चार पे आता है बेटर आई कॉन्टैक्ट। देखिए, बेटर आई कॉन्टैक्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मैं आपके साथ ऐसे बात कर रहा हूँ तो आपको अच्छा लग रहा है, अगर मैं आपके साथ ऐसे बात करूँगा, इधर उधर तकाऊँगा, ऐसे ऐसे करके बात करूँगा तो आपको कैसा लगेगा। तो आप अगर किसी के साथ आई कांटेक्ट करके बात करते हैं तो उसको भी आप पे कॉन्फिडेंट होता है, एक ट्रस्ट आता है आप पे। तो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो पर जो जॉब जो करने वाले हैं तो वहाँ आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आई कांटेक्ट करना, क्योंकि वो लोग आपके देखते हैं कि बंदा कितना कॉन्फिडेंट है। तो अगर आप किसी के साथ आई कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको समझता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट लड़के हो। तो बात करते हैं नंबर फाइव की, जो है लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन। तो आप एक किसी पे कैसे एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ सकते हैं। नंबर वन होता है एक स्माइल। तो आप जब भी उसको मिलो एक ट्रू सा स्माइल दो। ट्रू सा मतलब क्या होता है, ऐसे मत दो, ट्रू सा दो, जैसे कि आप हाँ सच में उसे देख के बहुत खुश हो, ऐसा स्माइल दो। नंबर टू है जो आपका एक टच, जाते हुए उसके आते वक्त उसको हैंडशेक करना, जाते वक्त उसको कांधे पर हाथ देके अप्रिशिएट करना, तो वो होता है। तो उससे आप वो इंसान आपको बहुत दिनों तक याद रखे हैं। तो ये कुछ ट्रिक हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो बात करते हैं नंबर सिक्स की, जो है दे डोंट अपोलोजाइज। इसका मतलब क्या है, वो कभी वो बात याद करके नहीं रोते या करते कि जो उनके फ्यूचर में हो चुकी है, जो गलती हो चुकी है, जो गुजर गया, वो लोग वो बात याद करके नहीं रोते या तो मतलब कि नहीं अपने आप को तो नहीं कोसते, वो नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, जो हो गया उसे वो छोड़ते हैं और अपने गोल की तरफ फोकस करते हैं और जो हो गया उसे जानने देते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मतलब मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है, कोई सी बात से मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी। तो बात करते हैं नंबर सेवन की, जो की है दे डोंट लुक बोरिंग। वो कभी बोरिंग नहीं लगते, उनका एक स्वैग होता है, स्टाइल होता है, उनका उठने में स्टाइल होता है, बैठने में स्टाइल होता है, चलने में स्टाइल होता है, बात करने में स्टाइल होता है। तो कोई भी देख के उनको बोर नहीं होगा, उनके साथ मिल के कोई कभी बोर नहीं होगा। तो ये आदत बहुत ज़रूरी है, तो कभी किसी के लिए बोरिंग मत बनो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय गाइज़।